शुरू करने हैं आज का वीडियो एक छोटी जी स्टोरी तो। एक बार भगवान रब बैठे एक बंदे दा लेखा जोखा कर रहे सी कि इनू स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। सिचुएशन ऐसी सी जिदे विच कि उदा जिहड़ा कर्मा दा हिसाब सी वह बराबर सी। से रब ने उन्हूं चॉइस देती कि इंज करो, एक टूर करो स्वर्ग दा ते एक टूर करो नरक दा, जिहड़ा पसंद आए उहदे चले जाओ। टूर करदा है, देखदा है स्वर्ग च सारे बड़े आराम नाल भगती कर रहे ने बहुत अच्छे तरीके नाल। नरक देखदा है, उत्थे डांस म्यूजिक चल रहा है। आके रब नूं कहिंदा है भगती बहुत कर लीती, इस वारी ना तुसीं इंज करो मैनूं नरक ही दे दिओ। रब कहिंदा फिर सोच लिओ एक वारी। नहीं नहीं सोच लिता, दे दिओ नरक दे दिओ। कहिंदे ठीक है लल्ला नरक। नरक ले लिता, अंदर वड़दिआं साथ दो जोर दी हंटर पए। कहिंदा इह की गल है, ये तो मेरे नाल धोखा हो गया। रब कोल जांदा, ये मेरे नाल धोखा होया, तुसीं तो दिखाया कुछ होर सी। रब ने कहा वो साडा मार्केटिंग डिपार्टमेंट सी, वो साडा मार्केटिंग डिपार्टमेंट सी। अज कैनेडियन इमीग्रेशन दे विच भी यही हो रहा है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अज केड़ा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की गल करन लगा, सारा कुछ तुहाडे नाल शेयर करांगा। सो सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज तो मैं सतविंदर पाठिया थोड़ा इस वीडियो में स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंसड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि ना जाने किनिया डिमांड्स इस पर्टिकुलर टॉपिक ते आई हैं। मैं इंटेंशनली अवॉयड कर रहा सी क्योंकि ये मार्केटिंग गिमिक है, ये जिहड़ा पर्टिकुलर कॉन्सैप्ट है ये मार्केटिंग गिमिक है। लेकिन बहुत सारिया रिक्वेस्ट, बहुत सारे फोन कॉल आन तो बाद मैनू यह वीडियो बनाना पिया। सो ये जिहड़ा हैगा है एक की मार्केटिंग स्टंट है, मैं तुहानू सब कुछ शेयर करांगा। उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट, जे चैनल ते नवे हो और हुण तक चैनल नहीं सबसक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ, क्योंकि इस चैनल ते असीं बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दीआं न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने आ। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हां दा भी बेनीफिट हो सके। सो नाल दे नाल बैल आइकन नूं प्लीज़ जरूर दबा दिओ, इहदे नाल वीडियो उस वक्त तुहाडे तक पहुँचता है जदों असीं अपलोड करने आ। सो बिना होर देर कीते होए शुरू करने आ अज दा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि हैगा किस टॉपिक ते। टॉपिक हैगा कैनेडा दा स्कूलिंग वीज़ा। कैनेडा दा स्कूलिंग वीज़ा बहुत सुनिया होएगा तुसीं, खासकर पंजाब दे विच हर मोड़ मोड़ ते कैनेडा दा स्कूलिंग वीज़ा। कैनेडा दा स्कूलिंग वीज़ा दिओ, की हैगा स्कूलिंग वीज़ा। सो एक प्रोमिस भी किया जाता है, की प्रोमिस किया जाता है, प्रोमिस किया जाता है कि कैनेडा दा स्कूलिंग वीज़ा होएगा, उहदे स्कूलिंग वीज़ा दे नाल जिहड़े पेरेंट्स गार्डियन बन के आ जाएंगे, बच्चे दे नाल पेरेंट्स गार्डियन बन के आ जाएंगे, ऐसा किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम है, ये मार्केटिंग गिमिक के एक मार्केटिंग स्टंट है, सारा का सारा मार्केटिंग स्टंट है। उंज ना होवे कि थानू भी नरक च जाके ना हंटर पै जाए, वह कुछ ही गल ना हो। सो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, मार्केटिंग स्टंट है। की चीज़ है हुण मैं थानू एक एक करके सारिया चीज़ा दसना शुरू करने हैं। सब तो पहला कैनेडा दे विच माइनर स्कूलिंग वीज़ा ना दी पहली गल तो कोई शै ही नहीं है। मैनू दिखाओ किस बंदे दे माइनर स्कूलिंग वीज़ा लग्या, इस ना का कोई वीज़ा ही नहीं है। अगे पहले भी मैं एक टॉपिक कवर किया सी SX1 वीज़ा, वो बड़ी धोन वाले 5-star जड़े हैगे ने उन्होंने बड़ा एडवरटाइज किया सी SX1 वीज़ा। ऐसा ना तो जड़ा वीज़ा है ना वो बिल्कुल गलत तरीके ना एडवरटाइज किया गया सी। इस तरह हुण इत्थे हो रहा है, बिल्कुल गलत तरीके ना मार्केटिंग स्टंट बना के इहनू किया गया। सो स्कूलिंग वीज़ा ना दी ते शाही कोई नहीं हैगी। हाँ बच्चों वास्ते, माइनर चिल्ड्रन जड़े ने बच्चों वास्ते स्टडी परमिट हैगा, और
ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਅਗਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੀਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਲਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ ਅਡਲਟ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਅਡਲਟ ਹੋ ਸੋ 18 ਵੀ ਅਡਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 19 ਵੀ ਅਡਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ 18 ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ PR ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ PR ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਦਾਊਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਜਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ SK ਜਾਂ JK 'ਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਲਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ PR ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲ ਬੀਂਗ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਟਸੈਲਫ ਔਰ ਕਈ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ
ये बाद जी गल हैगी है कि स्टडी परमिट बच्चों का लैना किस तरह। सो बच्चों का स्टडी परमिट लैन की जो गल करिए तो सब तो पहला मैं एक गल क्लीयर कर दिया, जिन्हें भी स्कूल ने जिन्हें भी प्राइमरी स्कूल्स ने जिन्हें भी स्कूल्स ने इतने कैनेडा के DLI है, यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी उन्होंने मिले होंगे है। सो इतने कोई ये नहीं है कि नहीं जिम्मे कॉलेजों के होंगे, कई कॉलेज DLI नहीं होंगे या यूनिवर्सिटीज़ के खैर ऐसा नहीं है, लेकिन खैर जो स्कूलिंग दे विच है कि हर स्कूल DLI है। सो पहले DLI का फंडा बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए, उस तो बाद जो तुसी बच्चे दे वास्ते बच्चा एलिजिबल तो होंगे जे उहदे कोलों लैटर ऑफ एक्सैप्टेंस LOA कैनेडियन स्कूल तो उन्होंने मिलता है। सो कैनेडियन स्कूल उन्होंने LOA दिता है, कहता है जी हाँ असी इस बच्चे कैनेडा च लैन वास्ते तैयार। सो रिक्वायरमेंट की ने, रिक्वायरमेंट है कि तुसी इन्ने प्रूफ कर सको, इन्ने फंड्स दिखा सको, तो यह दिखा सको कि जी हाँ साढ़े को असी कवर कर सकते हैं लिविंग एक्सपेंसिस और ट्यूशन फीस, और बच्चा जो पढ़ लेगा तो इतने वापस होम कंट्री आ जाएगा, जिस तरह की नॉर्मल स्टडी परमिट दी रिक्वायरमेंट ने। सो ये स्टडी परमिट लैन वास्ते बच्चों के माइनर के वास्ते। हुण सवाल इतने एक होर खड़ा हो जाता है, वह हैगा कि लेंथ, ये स्टडी परमिट की लेंथ वक्री वक्री है, सेम नहीं है। तो जे बच्चा थोड़ा पहली तो अठवीं तक पढ़ रहा है तो एक साल का मिलता है, यानी कि तुम अगर तुसी बच्चे कैनेडा ही पढ़वाना है या कैनेडा ही पढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा हर साल वो रिन्यू करवाना पेगा, एक साल का वर्क थोड़ा स्टडी परमिट मिलता है बच्चे। सो वो रिन्यू थोड़ा करवाना पैदा है। तो जे नौवीं तो बारहवीं के बच्चे तो उन्होंने पूरी लेंथ ऑफ स्टडी यानी कि चार साल का मिल जाता है, प्लस 90 डेज भी दे देंगे ने, ताकि वह अगर उस तो बाद भी वह कोर्स खत्म होने तो बाद भी 90 डेज एडिशनल भी देंगे ने। सो मैक्सीम चार साल तक अगर नौवीं तो बारहवीं के बच्चे तो मैक्सीम चार साल का उन्हों स्टडी परमिट मिल जाता है। सो पहली तो अठवीं तक एक साल का, हर साल तुम रिन्यूअल करा सकते हो तो उस हिसाब न। सो ये हो गई लेंथ ऑफ स्टडी परमिट। हूँ अगली गल, वो गल हैगी कॉस्ट। सो इतें मैं थोनों बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ पुटअप कर लगा वा कि कॉस्ट तुसी तको ये जिहड़े इंस्टीट्यूट ने जिहड़े कैनेडा दे विच पढ़ाई है, मोस्टली जिहड़े स्कूल्स ने जिवें मेरे बच्चे ने इत्थे कैनेडा दे विच स्कूलों दे विच जिहड़े ने ओ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जांदे ने, पब्लिक स्कूल्स जांदे ने। सो ऐसा नहीं प्राइवेट च भेज सकने आ, बट प्राइवेट जिहड़ा हैगा मोस्टली जिहड़े बच्चे ने पब्लिक स्कूलों जांदे ने, प्राइवेट दे विच तुसी जांदे हो तो उहदी कॉस्ट वक्री हुंदी है। तो जिहड़े प्राइवेट स्कूल्स ने उहदे विच अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आंदा है प्राइवेट स्कूल्स दे विच ते बहुत ज़्यादा कॉस्ट चार्ज की जाती है प्राइवेट स्कूल्स दे विच। सो वो कॉस्ट जिहड़ी है अगर बेसिक ट्यूशन फी भी देखी जाए तो 18,000 तो $20,000 के आस पास हुंदी है। सो इन्नी कु मिनिमम तुसी लगा के चलो एट ट्यूशन फीस। उस तो बाद लिविंग एक्सपेंसिस, सो $1,000 भी अगर महीने का हो, इतने एक गल देखो जिहड़े बच्चे बाद चो स्टडी परमिट लैके आते हैं जिवें यूनिवर्सिटी या कॉलेज वास्ते वो थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन जिहड़ा माइनर बच्चा वो तो कोई अर्निंग नहीं कर सकता, वो बिल्कुल अर्निंग नहीं कर सकता। सो उहदा रहना खाना पीना सारा खर्चा थानू चकना पेगा। सो उहदी कॉस्ट जिहड़ी है करीब $1,000 भी अगर महीना होई तो $12,000 साल की हो जाती है। सो प्लस अदर कॉस्ट कोई ना कोई होर खर्चे चीज़ा 5,000 तो लैके 10,000 तक थोड़ी एडिशनल कॉस्ट है। सो इन्नी कॉस्ट बीयर करनी ये काफ़ी ज़्यादा हैगी, ये आसान नहीं है। सो ये तुसी जदों भी यह सोचो कि हाँ तुसी बच्चे और नाल ये कहना कि नहीं माँ बाप का वीज़ा नाल हो जाएगा, माँ बाप इत्थे आ जाएंगे इत्थे आके वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाएगा, ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है, सिरे तो ही गलत है, ये सारी कहानी ही गलत है कि नहीं माँ बाप भी नाल आ जाएंगे, माँ बाप इत्थे आके एज अ इत्थे आके वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर माँ बाप मिलन आते हैं तो उन्होंने वध तो वध विजिटर मिल सकता है बहुत ज़्यादा औखियाई नाल। अगर माँ बाप भी तुसी खुद सोचो जे बच्चा थोड़ा इत्थे है, पैसा तुसी इंडिया तो भेज रहे हो या किसी भी कंट्री तो तुसी पैसा भेज रहे हो तो तुसी भी नाल आ जाओगे तो काम कौन करेगा पिछे, पैसा किस तरह आएगा उत्थे तक। सो ये प्लीज़ मेरी थोड़े अगे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चांसे च इस गलत तरीके च ना आओ कि ये आइल्स नहीं चाहिए, कोई
एजुकेशन क्रेडेंशियल की लोड़ नहीं, ये धोखा है। ये प्लीज़ प्लीज़ ना आओ, तुसी अपनी होर कोई भी गल किसी भी वीज़ा या इमीग्रेशन केस के बारे डिस्कस करना चाहते हो, थोड़ी फाइल चल रही है या तुसी साढ़े को फाइल स्टार्ट करवाना चाहते हो, साढ़े नाल अपॉइंटमेंट बना के गल कर सकते हो। साड़ा ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ इतने थोड़े नाल शेयर है। बहुत जरूरी गल, जी चैनल तुसी हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ। सारी टीम बहुत मेहनत करके इस सारी इन्फॉर्मेशन थोड़े तक लैके आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।